हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है नेक्स्ट सिक्स डेज। तो ये हफ्ता आने वाला आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या पॉजिटिव थिंग्स हैं और क्या चीज़ की वार्निंग मैसेजेस है, शायद हो सकता है कि किसी चीज़ से बचाने के लिए भी रीडिंग आपके सामने आ रही है। तो जो भी है पॉजिटिवली ही हम सोचेंगे कि अपने लिए क्या आ रहा है। तो लेट्स सी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे जंप कर दिया, न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ। 3 and 9 नंबर कुड बी इम्पोर्टेंट। बहुत खूबसूरत शुरुआत ही, बहुत ज़्यादा धमाकेदार। न्यू लाइफ, न्यू ईयर, न्यू वीक, न्यू स्टार्ट। को क्रिएट 4 नंबर, फ्लेक्सिबल, इमेजिन 2 नंबर, 1 नंबर एंड 9 नंबर अगेन, 1 इम्पॉर्टेंट एंड 1 and 5 नंबर अगेन इम्पॉर्टेंट, मिल्क एंड हनी। सो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग आई है और बॉटम देखें बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो फर्स्ट वन इज न्यू लाइफ, मिल्क एंड हनी, को क्रिएट, फ्लेक्सिबल एंड इमेजिन। सो यहाँ पे ऐसे लिख रहा है ना कि देर इज़ अ फ्रेश बिगिनिंग, न्यू शुरुआत। कहीं से भी कुछ रुका हुआ काम या स्पेशली एक नई अपॉर्चुनिटी, इन केस ऑफ प्रोफेशनल हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, कहीं तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू फ्रेंडशिप, क्योंकि कभी कभी ना एक नई शुरुआत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी, मुझे ना एकदम अचानक से मुझे फील हुआ कि आप अपने घर बनाने के लिए या फिर अपने रेंट, आजकल रेंट के घर भी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि रेंट के लिए अपार्टमेंट देना हो या लेना हो, कहीं तो बहुत ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे जितना विन विन सिचुएशन होगी, आपको अपने हिसाब से और सामने वाले, मतलब सामने वाले का भी प्रॉब्लम नहीं है, अपने अब हमारा भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा ना कि समथिंग इज़ गोइंग टू को क्रिएट, साथ में मिलके कुछ बनाने का, कुछ समय बिताने का हो, कहीं तो मुझे ना एक पॉजिटिव वाइब्स है। स्पेशली आपका रिकन्सिलेशन, रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और जो भी आपने अपने लिए सोचा है, स्पेशली मैनिफेस्ट किया है, वो आपके लाइफ में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है जो मून मैनिफेस्टेशन ये फुल मून पे आपने की थी, वो पूरी होने के चांसेस है। किसी का कॉल मैसेज आप एक्सपेक्ट करें तो रिगार्डिंग प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, किसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो या कहीं पे भी, कोई स्पेसिफिक पर्सन का हो, कोई नए प्रपोजल का हो, स्पेशली इवन इन अ क्रश सिचुएशन, कहीं न्यू शुरुआत मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एंड मिल्क एंड हनी, मुझे ऐसा लगता ना कि जैसे आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी या कड़वाहट काफ़ी अरसे से चली आ रही है, मुझे लगता है कि अगर आप स्पेशली कुछ स्पेसिफिक राशिज के हैं, जैसे मिथुन है, एरीज है, तो आपके लाइफ में ना ये और भी आई थिंक 6 राशि है, तो अगर वो है ना तो आपका आपको पता ही होगा कि आपकी जो शनि दशा है वो ख़त्म हो रही है और वो एक नई, मतलब थिंग्स हैव स्टार्टेड, माना कि वो उसका एक स्पेसिफिक टाइम है बट वहाँ से इफ़ेक्ट दिखना शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़, कहीं नई न्यू बिगिनिंग की मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं राशियों के लिए है, बट जो आपने मैनिफेस्ट किया था, जो पॉजिटिव रहे हैं, जिसे उसी का फल आपको मिलने वाला है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। बट आपको थोड़ा ना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, जैसे ना कि जैसे आप किसी चीज़ के ना कि यही चाहिए या इसी वक्त में ही चाहिए, ऐसा जो आप पकड़ के बैठे ना, प्लीज़ उसे मत कीजिए। अच्छे से सब कुछ होना वो इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, अचानक से धुआ तला हो गया। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, अगेन कार्ड्स, स्ट्रेंथ, वेरी गुड, स्टेबिलिटी, कंटिन्यूअस, पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड,
द सन. फोर ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट. बहुत खूबसूरत रीडिंग है. और बॉटम डेक है सेवन ऑफ सोर्ड लॉस. तो मुझे इतना फील हो रहा है ना कि मुझे जो इसमें रीडिंग में जो फाइनली जो फील हो रहा है वो है कि कैसे ना किसी लॉस से आप गुजर रहे थे. बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा ना कि किसी लॉस से गुजर रहे थे. वो जो सिचुएशन, कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपसे भाग रहा है, कोई वो सारी सिचुएशन है ना, वो ख़त्म होने के कगार पे है. वो वर्ल्ड कार्ड दिखा रहा है कि आपकी जो कार्मिक सिचुएशंस है ना, जो कार्मिक एंडिंग्स, वो बहुत नज़दीक है. यस, ये सब कुछ अभी धीरे धीरे से ख़त्म होने वाला है. ये हफ्ते किसी भी थ्रू आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ का अंदाज़ा आते जाएगा. थोड़ा मतलब ऐसा ना, जो आपके सामने से या आपके साथ में से जा रहा है ना, वो आपके लिए नहीं बना था इसलिए जा रहा है. इट्स लाइक क्लिनजिंग ऑफ एनर्जी. भले आपको कितना भी दुख हो, लेकिन उसके बाद जो सूरज चमकने वाला है, जो अंधेरे के बाद जो सूरज चमकने वाला है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मायने रखता है. क्योंकि वो चीज़ आप कब से जैसे इंतज़ार करे है, वो जिसे आपके लिए बनी थी, कोई अपॉर्चुनिटी हो. स्पेशली मुझे यहाँ पे करियर में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं. कि जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि जैसे आपको अपनी जैसे कर्म का फल मिलना हो, या फिर आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, जितना आप काम कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है. मतलब उतना आपको बोलते ना रिजर्व, आपको डिज़र्व जो करते हैं वो नहीं मिल रहा था. तो वो जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा है कि जो आप डिज़र्व करते हैं वही चीज़ आपके सामने आ रही है. कोई पैशन फॉलो करना चाहते हैं, वो मौका आपको मिलने के चांसेस हैं. और देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग अगेन. आपकी ही जीत होगी. स्पेशली इन आपकी सोच में, आपकी करियर में, आप जो चाहते हैं वो क्लैरिटी में, कि आपके सामने चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. एक क्लियर होना आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि हाँ, आपका फोकस बैठेगा कि चलो ये नहीं हो सकता, लेकिन अभी मुझे कहाँ जाना है, किस पाथ पे जाना है, कहाँ पहुँचना है. ये आपके गोल्स है वो क्लियर होते हुए नज़र आए. यहाँ पे आप ऐसा लग रहा ना कि इस हफ्ते आपके जो रुके हुए काम है वो आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. क्योंकि तो चैरियट का काड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी, आपने जो अपने आप में पेशेंस रखा था, आपने अपने आप पर जो काम किया था ना कि चलो हम अपने लिए सोचते हैं, बैलेंस आउट करते हैं हमारी सिचुएशन को, चलो निगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रही है. यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, फिर वो इमोशनल हो या प्रैक्टिकल लाइफ में हो, अपॉर्चुनिटीज ऐसी आएंगी कि वो करने का आपको मौका मिलेगा. आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इनर स्ट्रेंथ, जो मतलब हिम्मत चाहिए थी किसी भी डिसीजन लेने को, वो आपको या डिसीजन को समझने में, एक्सेप्ट करने में, वो मुझे बहुत ज़्यादा बदलती हुई नज़र आ रही है. कि ये मौका आपको मिलेगा आपके अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी वापस लाने का, वो इमोशनल स्ट्रेंथ लाने का, वो इमोशनल बैलेंस लाने का जो आप चाहते हैं. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. हम जब इमोशनली बैलेंस होते हैं तभी हम सही तरीके से डिसीजन ले पाते हैं. तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि अगर आप अपने आप को मेडिटेशन करने की वजह से या किसी भी तरह से आप अपनी इमोशनल बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ आपके पास आ रही है. मुझे कुछ जगह पे ऐसा लग रहा ना कि बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. अगर किसी बात पे आप रिजिड हो रहे थे तो आपको देखना पड़ेगा क्या ये रिजिडिटी मेरे लिए सही है, क्या ये मैं पकड़ के बैठा हूँ या बैठी हूँ कि यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, तो क्या वो मेरे लिए सही है. और मुझे यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ इम्प्रूव होते नज़र आ रहे हैं. हेल्थ इश्यूज़, अगर आप नहीं ध्यान दे रहे तो ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज़ पे सफ़र करना पड़ेगा. बट आपके हेल्थ इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा एक मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रहा है. एक्चुअली आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रेमेडीज़ हो या किसी भी तरह से आपकी पॉजिटिविटी ही सही, बट यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ इम्प्रूव होंगे अगर आप चाहे तो. क्योंकि अगर करना ही नहीं चाहते आप, या आपको बिलीव ही नहीं है, ये बिलीव ही नहीं करते आप ये सब चीज़ों पे, तो डेफिनेटली चीज़ें कैसे बदलेंगी. और सन आया है, मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस आपकी लाइफ में, जो खुशियाँ है वो पॉकेट्स में ही सही बट आएंगी, जरूर रिटर्न आ रही है. तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है उसके ऊपर ज़रूर काम कीजिए. डरिए मत, जो भी हो रहा है आपके लिए ही अच्छे के लिए हो रहा है. तो जो आप अपनी अंदर इनसिक्योरिटीज़ अगर पाल के बैठे हैं कि
क्या ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि ये इनसिक्योरिटीज़ आपको डरा सकती है लेकिन रोक नहीं सकती। तो जस्टिस आपके साथ सामने आ रहा है, कहीं ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, अचानक से ट्रैवलिंग आपके साथ हो सकती है कि मतलब आपको मौका मिलेगा और वो ट्रैवलिंग आपके लिए बेसिकली बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। आपके लिए एडवाइस, ग्राउंडिंग, गो डीप एंड एक्सप्लोर द रूट्स, अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वर यू नीड टू बी। आप जहाँ पे है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सिचुएशन में है, ये आपके लिए बिल्कुल सही है और यही प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज़ की तरह आपके लिए काम करी है और वो जो चीज़ दे रहे हैं ना वो आपके लिए ही बना था, वो गोल, वो सिक्योरिटी, वो हैप्पीनेस, सब चीज़ अनग्राउंडिंग। और कोई भी चीज़ के तह तक जाने की कोशिश कीजिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बट बस आंखों देखिए और कानों से नहीं, बातों पे विश्वास नहीं करना है। मुझे यहाँ पे ना अगर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि पेपर वर्क, अगर किसी रिलेटेड आप पेपर वर्क कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने लीगल डॉक्यूमेंट स्पेशली पेपर, उसका पेपर वर्क आप ध्यान से करिए, ये बात है कि तो बहुत खूबसूरत एनर्जी जहाँ पे आपका ये हफ्ता बहुत अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है, आपको वही हैप्पीनेस पाने के लिए है, वही जो बोलना अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वही होगा, बस अपने ऊपर काम करने की थोड़ी देरी है। ठीक, तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।